अरे अरे देखो गाइस, यहाँ पे ट्रैफिक लग गई थी और हमने ये वाली गाड़ी का साउंड सुना, बहुत ही प्यारा साउंड था। ये देखो कितनी सी बाइक है। एक बार चालू कर दोगे भाई? खाली ये चीज देख। ओ भाई, ओ भाई, बहुत कांप रही है पर मजा आ रहा है इसको चलाने के लिए। साउंड सुन रहे हो आप? तो आगे नाकाबंदी है और हम नहीं चाहते हमको कोई पकड़े। अरे अरे ने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का हस्ती ब्रो। आ गए ले बालों का भी कंटीलो, मैंने बॉम्बे में बचाया बच्ची को। इधर हमारा रैपर नहीं गाइस, सॉरी तू रैपर नहीं डांसर है, साले से लग रहा तू एक्टर है, तेरे को मारने का मन भी नहीं कर लेला साले ले गाइस, चल इसके लिए लेके ले जाता फाछड़े तू। अरे बस 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 हम लोग का लेट है। किधर को जा रहे? अरे मुन्ना, अरे मुन्ना सांस 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 अरे मुन्ना सांस तो चलो इसी के साथ अपने व्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो आज हमारे साथ है हमारी प्यारी नोआ और हमारी प्यारी बेबी जिसकी हम बात करते थे, इससे हमारी शुरुआत हुई थी। तो आज हम जा रहे हैं एक प्यारी सी व्लॉग बनाने, नाइट व्लॉग बनाने के लिए। तो बहुत बहुत जन मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई वो तुमने लाइटिंग तो दिखाई नहीं बैंड्रा वाली, जो आप पिछले दो व्लॉग में बोलते जा रहे हो कि वो लाइटिंग प्यारी है प्यारी है। तो आज आपको दिखाएंगे, पिछले दो दिन से हमको टाइम ही नहीं मिल रहा था वहाँ पर घुसने का। क्रिसमस के दिन तो आपने देख लिया रहेगा वहाँ पे कितनी भीड़ थी, जिसकी वजह से हम लोग अंदर एंट्री नहीं मार पाए। और भाई क्या ही लग रही अपनी नोआ और क्या ही लग रही अपनी बेबी। तो बेबी की हालत थोड़ी ख़राब है पर थोड़ा समझ रहे हो ना, पैसा वैसा आएगा उसके बाद अपन इसको भी बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। अरे हाँ होता है होता है होता है, जब गिरेंगे तभी सीखेंगे। ऐसे ही तू राइडर बनेगा भाई, ऐसे ही तू राइडर बनेगा। चल 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 चल, बाय बाय। बड़ी मशक्कत के बाद ये वाला व्लॉग बन रहा है। अभी आप लोग सोचते रहोगे कैसी कैसी मशक्कत। तो मेरा जो बोया का माइक है वो ख़राब हो गया था, तो दर्शन के पास और एक माइक था एक्स्ट्रा में, पर उसका कैसा था, उसके माइक का सेल ख़राब था और मेरा माइक ख़राब था, सेल बराबर था। तो दोनों को मिला के दर्शन का माइक हमने ठीक किया और मेरे में सेटअप किया, उसमें हम लोग का आधा घंटा चला गया लगभग। और आज तो आपको कैसे भी करके लाइटिंग दिखानी है भाई बैंड्रा की। गाड़ी की परफॉर्मेंस अभी भी एकदम मस्त है, बस थोड़े बहुत सर्विस कराना, मतलब थोड़े बहुत मेजर इशू है, जैसे चेन ढीली हो गई है, ऐसे ही दो तीन नॉर्मल काम है वो सब ठीक कराने। पर गाड़ी थोड़ी भी ऐसी, मतलब थोड़ी भी बिगड़ी हुई रहती है ना, पता नहीं क्यों मेरे को चलाने का मज़ा नहीं आता इतना। मेरी गाड़ी जब प्रॉपर रेडी रहे ना तब मेरे को अच्छा लगता है गाड़ी चलाने के लिए। और आज आपको माइक का कोई प्रॉब्लम नहीं आता रहेगा, क्योंकि आज मैंने जैसे कि बोला आपको स्टार्टिंग में ही, दर्शन भाई का माइक यूज़ कर रहे हैं अभी आज हम, उसका भी बोया का ही माइक है सेम एज इट इज़ मेरा, पर उसका थोड़ा नया है। तो परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हो कैसी आ रही है। बहुत जन के भाई इंस्टा पे मैसेज आए, भाई आपने लाइटिंग तो दिखाई नहीं, आज आपको तुम्हारा भाई लाइटिंग दिखाएगा। तो बस अभी 5-10 मिनट के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे बैंड्रा रेक्लामेशन पे। हमारे यहाँ पे बैंड्रा रेक्लामेशन ही बहुत अच्छा रोड है। अभी जैसे आप जम्मू के ब्लॉगर्स देखते रहोगे, जम्मू के ब्लॉगर्स के पास जैसे खाली सितरा एक अच्छा रोड है, वैसे हमारे यहाँ सिर्फ रेक्लामेशन अच्छा रोड है। यहाँ पे सैटरडे नाइट और मंडे नाइट को रेसेस भी होती है, इलीगल रेसेस। तो अगर आपको उसके ऊपर भी ब्लॉग चाहिए रहेगा तो ज़रूर से बताना, मैं उसके ऊपर भी ब्लॉग लाऊंगा। मुंबई में रात में ही बाइक चलाने का असली सुकून है, दोपहर के टाइम पे सुबह के टाइम पे एकदम ज़्यादा ही रश रहता है यहाँ पे। ये जो रोड आप खाली देख रहे हो ना, सुबह आओगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। ट्रैफिक, धूप और सिग्नल, पुलिस, क्या पता नहीं क्या क्या अपने को झेलना पड़ता है सुबह सुबह। रात में कोई टेंशन नहीं, ना सिग्नल का टेंशन, ना ट्रैफिक का टेंशन, ना धूप का टेंशन, किसका भी टेंशन नहीं, बस तुम तुम्हारी गाड़ी और चलते रहो, क्या बात है।
और मुंबई में जब से लाइटिंग लगी है ना, अलग ही फीलिंग आती है भाई बाइक चलाने की रात में। बस मुंबई के हाईवे थोड़े अच्छे हो जाए, ये जो बम्पी अच्छे ही है ऐसा नो डाउट अच्छे ही है, पर ये जो बम्पी दिख रहा है आपको, ये बीच बीच में रोड आपको उठा हुआ दिख रहा है, ये बहुत गंदा है भाई। और ये हमारे हाईवे पे रहता ही है, और ये वाले हाईवे पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है। बस मुंबई के हाईवेज में ये सब ठीक हो जाए ना, मुंबई के रोड को फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैं भगा भी नहीं रहा हूँ तो भी मेरी गाड़ी इतनी उछल रही है ना, पूछो मत। और जब हम हाई स्पीड करते हैं ना और तब ये सब करेंगे तो टैंक स्लैप होने का बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, और टैंक स्लैप होता ही है। अगर समझ लो आपकी गाड़ी 100 के ऊपर है और आप ऐसे चला रहे हो तो हैंडल वाइब्रेट होना ही है, और अगर आप ज़्यादा ही खींच रहे हो एकदम टॉप एंड में जा रहे हो और ऐसे बम्पी रोड आए तो टैंक स्लैप तो होना ही। आपने देखा रहेगा मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो भी टैंक स्लैप वाला ही वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना, 1.6 मिलियन व्यूज़ है उसमें। यहाँ तरह का ऐसा नॉर्मल थीम का है लाइटिंग, और इधर आने के बाद ऐसा हमारे फ्लैग के थीम में है लाइट। मेन लाइटिंग तो भाई वहाँ पे ही है यार, मेन लाइटिंग तो वहाँ पे ही है। ओ भाई नाकाबंदी है क्या, यहाँ पे रोक लेता हूँ, इतना जाम है मतलब नाकाबंदी ही रहेगी। देखो गाइस यहाँ पे ट्रैफिक लग गई थी और हमने ये वाली गाड़ी का साउंड सुना, बहुत ही प्यारा साउंड था। ये देखो कितनी सी बाइक है एक बार चालू कर दोगे भाई? खाली ये चीज़ देखे। ओ भाई देख रहे हो इतनी सी बाइक है, बस मेरे हाथ जितनी बाइक है। ये देखो अभी दर्शन भाई बताएंगे। ये देखो भाई क्या बाइक है, मैं इसमें फोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मस्त बाइक है ना भाई, मिलती है कैसे लेने जाके, क्या आप भी मॉडिफिकेशन करते हो? आप मिलता है, मेरा दोस्त बेचता है बग्गी और ये सब ओरियन गाड़ी। अच्छा ये कौन सी गाड़ी? ओरियन यामा आती यामा की नहीं हो? एक ऐसे यामा का गाड़ी से लगा है स्टिकरिंग किया हो, टू स्ट्रोक गाड़ी है ना? अच्छा अच्छा ओरियन बाइक। अरे भाई बहुत टू स्ट्रोक बाइक है ये, इसलिए इसका साउंड आरएक्स जैसा लगा, मस्त है। तो हे गाइस व्हाट्स अप के हिसाब से ओपन और फाइन एंड वेलकम टू माय मोटो व्लॉग चैनल। सारे मिले भाई के साथ अपनी मोटो व्लॉगिंग करने वाले। और भाई तो गाइस मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू ऑन दिस बाइक। ओ भाई दर्शन भाई बहुत बोल रहे थे कि भाई मेरे को बाइक नहीं मिलती है, बाइक नहीं मिलती है, ये लो। और दर्शन भाई बहुत बार मेरे से बाइक मांगते हैं, भाई मेरे को लड़की घुमानी है, डेट पे जाना है, बस मिल गए। पर अभी सीट वीट लगा देना, हाइट का भी एकदम बराबर हाइट है तुम्हारे लिए, एकदम बराबर है। साउंड सुन रहे हो गाइस? साउंड सुन रहे हो बाइक की? ये देखो ओ भाई दिखा, एक बार मैं भी चलाने का ट्राई करता हूँ, हुआ तो। ओ भाई बहुत कांप रही है पर मजा आ रहा है इसको चलाने के लिए। साउंड सुन रहे हो आप? मजा आ गई भाई चलाने के लिए, साउंड तो बहुत ही ओपी है इसका। क्या बात है, थैंक यू। हाँ भाई क्या नाम आपका? आदित्य। चल भाई थैंक यू, कल आएगा ब्लॉग देखना? हाँ उसने नंबर लिया ना। तो आगे नाकाबंदी है और हम नहीं चाहते हमको कोई पकड़े। देखते हैं अभी हम लोग पास मिशन पास होता है कि फेल होता है।
सक्सेसफुल। राइट में भी खड़े थे, लेफ्ट में भी खड़े थे, इसलिए हमने बराबर बीच से निकाली। सो आ गया है जी हमारा प्यारा रेक्लामेशन का रोड, और ये हमारे मुंबई का सबसे प्यारा रोड है हमारे साइड में। क्या रोड है भाई, लीन 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 लीन, क्या बात है। आज शायद से आपको डेकोरेशन देखने मिल जाएगी, लाइटिंग देखने मिल जाएगी। हम यहाँ पे लाइटिंग देखने आए थे, हमको पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो मिनी बाइक दिख रही है, एक रैपर बच्चा मिल रहा है। भाई मतलब जिसका सोच के आए थे ना देखने के लिए, वो उसका तो अभी अता पता भी नहीं है, पता ही नहीं है कि भाई वो देखने मिले ना मिले, पर बाकी की एक्स्ट्रा चीज देखने मिल गई है। लाइटिंग बंद है क्या भाई, बंद है ना? अरे यार ये देखो, ये सब कुछ आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही मस्त लाइटिंग किया हुआ रहता है। हमने सोचा था आज हमको लाइटिंग देखने मिल जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली आज भी हमको लाइटिंग देखने नहीं मिली है, और ना ही आपको देखने मिली है। पर टेंशन मत लो भाई, हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे आए थे जिन्होंने यहाँ का क्लिप्स लिया है, तो हम डाल देंगे, टेंशन मत लो। ओहो टनल में तो भाई शोर मचाना बनता है, बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग हुई रहती है, पर अभी बंद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्लिप्स डाल दूंगा जो मेरे दोस्तों ने निकाली थी यहाँ पे। बाकी आपको व्लॉग देखने तो ज़रूर से मज़ा आता ही रहेगा, क्योंकि लाइटिंग के पहले इतनी सारी मज़ेदार चीज़ हमने की है व्लॉग में, और बहुत कुछ मिला है हमको, और वो भी अनएक्सपेक्टेड। नाकाबंदी हमको कभी इधर देखने नहीं मिलती है, मतलब यहाँ पे ये लोकेशन पे नाकाबंदी लगती है, पर रात में रेयरली लगती है, और आज हमको तो वो देखने मिल गई। मिनी बाइक भाई, वो मिनी बाइक ने तो भाई मेरा दिन बना दिया, दिन बना दिया, मतलब मज़ा आ गया। उसका मैंने प्राइस पूछा वो भाई से, और उसका नंबर भी लेके रखा मैंने, मेरा एक छोटा भाई है उसके लिए मैं सोच रहा हूँ लूँगा। तो आप ब्रांड न्यू लेने जाओगे तो आपको 25,000 का मिल जाएगा, वो तो 25,000 का मिल जाता है, और आप सेकेंड हैंड में लेने जाओगे तो 10,000-11,000, इतनी आपकी कैपेसिटी है भाव ताव करने की, वो हिसाब से आपको मिल जाएगी वो चीज़। अभी फ़िलहाल का प्लान बता दूँ तो देखो, रात को भाई हमारे मुंबई में चाय बूस्ट ये सब के ठेले रहते हैं, मतलब बंदे साइकिल में ये सब लेके घूमते हैं चाय बूस्ट, तो रात में बूस्ट तो पीना बनता है, और बूस्ट पीने के लिए कार्टस जाना तो बनता है। यहाँ तक आए तो आपको पता ही है हमारी रिचुअल्स है भाई, कि हम यहाँ तक आते हैं तो फिर बूस्ट पी के ही जाते हैं। आज ये आपको पूरा खाली खाली दिख रहा है, हम जिस दिन क्रिसमस के टाइम पे आए थे, आपने इसके रिसेंट वाला व्लॉग देखा रहेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो ये वाला रास्ता जाता है बैंड स्टैंड के लिए, पर हमको बैंड स्टैंड नहीं, हमको जाना है कार्टर्स। कार्टर्स में आप लोग बोलते रहोगे भाई ये टूटे सूटे कार्टर्स ही जाता है क्या? देखो ये वाले साइकिल्स की मैं बात कर रहा था, तो एक आध चक्कर मारते यहाँ पे, उसके बाद आते यहाँ पे बूस्ट वूस्ट पीते। ब्रो आगे नाकाबंदी है। अरे भाई क्या हो रहा है, आज हर जगह नाकाबंदी मिल रही है ना अपने को। मेरा ऐसे तो सब क्लियर है, बस पीछे नंबर प्लेट नहीं है। तो गाइस कार्टर से हम लोग निकल गए चाय वाय पी के, कॉफी बूस्ट पी के, और यहाँ पे देख रहे हो ना रोडों पे मेट्रो का भाई कंस्ट्रक्शन इतने जोरों शोरों से चल रहा है कि पूरी रोड की बीच की सीमा ही उसने ले ली है क्या। तो जब ये मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा, और ये जब मेट्रो बन जाएगा, तब अपना मुंबई बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो शायद से ट्रैफिक कम हो जानी चाहिए भाई, जो हिसाब से ट्रैफिक रहती है, थोड़ी बहुत भी कम हो गई तो भी ठीक है। देखो भाई हर जगह नाकाबंदी ही नाकाबंदी है, बहुत मतलब बहुत नाकाबंदी मिली आज भाई देखने, क्योंकि अभी 31st आ रहा है, तो आपको पता ही है भाई 31st को क्या होता है, दारू वारू वाले सीन, और पुलिस वाले नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई दारू वारू पी के गाड़ी वाड़ी चलाए और फिर कुछ इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट्स हो, इसलिए थोड़ा अभी अलर्ट मोड पे है अपना मुंबई। हर जगह मतलब नाकाबंदी देखने मिल जा रही है अपने को,
इनफैक्ट 31st को अभी और 2 दिन का टाइम है, तो भी इतनी नाकाबंदी अपने को देखने मिल रही है। 31st के दिन तो बहुत ही ज़्यादा नाकाबंदी रहेगी, और रहनी भी चाहिए। दारू पी के कोई गाड़ी चला है बहुत ही गंदी चीज़ है। नशे करने तो हमारे जैसे करो भाई, बाइक से नशा करो। हमें बाइकिंग का नशा है, बाइक का नशा है। ये चल रही है हमारी बेबी, हमारी एक्टिवा, जिससे हमने ये सब सीखा है। हमारी जो इतनी शार्प स्किल्स है ट्रैफिक में, वो सब इसी की वजह से। अभी देख रहे हो ना, कंडीशन बहुत ही ख़राब है। 4-5 हज़ार का खर्चा है, उसके बाद अपनी बाइक एकदम मस्त हो जाएगी, मतलब अपनी बेबी, अपनी स्कूटी एकदम मस्त हो जाएगी। बस ऐसी ही लाइटिंग रहना भाई। मैं नाइट व्लॉग भी डालते रहूँगा। अभी आप सोचते रहोगे भाई तू पहला ऐसा बंदा जो नाइट व्लॉग इतना डाल रहा है। ओ हनुमान गिर, हनुमान गिर। ओ भाई पार हो गया, स्कूटी से पार हो गया। आखिर वो भी हमारी बेबी है गाइस। मजाक कर रहा हूँ, मजा आ गया भाई। और आई होप आपको भी मजा आता रहेगा अगर आप, और मैं जेन्युइनली एक बात बोलना चाहता हूँ कि उससे पहले एक और एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, एक बार मैं यहाँ से आ रहा था तो बहुत सारे बच्चे ऊपर ब्रिज में थे, तो मेरे को देख के अचानक से बोलने लगे, ओ मोटो ब्लॉगर, ओ ब्लॉगर। मैं सुना नहीं, जब मैंने ब्रिज पार किया थोड़ा आगे जाके, तब बोलने लगे ओ ड्यूक वाला, ड्यूक वाला। तब मैं पलट के देखा तो भाई इतने सारे बच्चे। और वो टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक थी, वो टाइम पे क्या, ये सुबह के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक रहती है, तो वो टाइम की बात बता रहा हूँ। तो मैं जो एक चीज़ बताने वाला था, अभी मेरे को याद आ गई कि देखो भाई, मेरे को पता है बहुत जन जो है मेरे व्लॉग देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मुझे पता है मेरे व्लॉग देख के आप लोगों को खुशी मिलती है, आप लोग मेरा व्लॉग का वेट करते हो। अगर करते हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा कर दो यार। क्योंकि मैंने वो देखा कि मेरे को वॉच टाइम आवर सब्सक्राइबर से कितना मिलता है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा उस वो लोग में से कितना मिलता है। तो सब्सक्राइबर्स का जो वॉच टाइम आवर था वो बहुत ज़्यादा कम था, तो लोग क्या करते हैं मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको मेरे वीडियोस भी पसंद आते हैं पर यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कराओ, 50K कराओ जल्दी से, 26K हो गए हैं अपने, 26.1K हो गए, तो फटाफट से भाई 30-40-50K कराओ, और उसके बाद सीधा अपन 100K करेंगे, तो सिल्वर प्ले बटन के साथ तुम्हारा भाई अलग ही सीन, तबाही सीन, तबाही सीन। और लोग मेरे को बोलते हैं भाई कि तुम ड्यूक 390 पे शिफ्ट हो जाओ। देखो भाई आगे जाके अगर आप लोगों के वजह से अगर मेरे को तरक्की भी मिलती है, मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता भी हूँ, अच्छा मोटो ब्लॉगर बन जाता हूँ, तो भी देखो ये गाड़ी तो अपनी फॉरएवर रहेगी भाई, ये गाड़ी को मैं नहीं बेचने वाला कभी, मतलब कभी नहीं। हाँ और इससे बेटर बाइक्स लूँगा मैं, पर ये तो अपनी जान शान और ईमान रहेगी। इसको लेके मेरा सपना है कि मैं इसको लेके लद्दाख जाऊँगा, मतलब अच्छी अच्छी जगह जो ड्रीम रहती है बंदे की, वो मैं इस पे ही करूँगा, भले मेरे पास और भी अच्छी बाइक आ जाए इससे भी। क्योंकि आज जो भी हूँ मैं वो इसी के वजह से हूँ, और कल जो मैं बनूंगा वो भी इसी के वजह से रहूँगा भाई। हमारे अमन भाई बहुत ही गंदी चला रहे एक्टिवा से। क्या बात है, बेहतरीन। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जान तो है भाई अपनी बेबी में, अभी भी बहुत जान है। ओ भाई ट्रैफिक फिल्टरिंग करने के मामले में तो अपनी बेबी बहुत ही मस्त है। सोच रहे हो ना, तुम्हारा भाई इतनी जो बेहतरीन चलाता है वो सब कुछ हमारे बेबी की देन है, हमारे एक्टिवा की देन है। क्या ही स्विंग हो रही है, देखो इधर से उधर, इसका हैंडल कितना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो वो इधर से उधर कभी भी किधर भी घूम सकती है भाई। और जब ये बन जाएगी ना तब तो अलग ही। ये दो गाड़ी मैं कभी नहीं बेचने वाला भाई, उसका भी एक कारण है, इसका भी एक कारण है। इसका कारण तो मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको क्यों नहीं बेचने वाला, और उसको मैं क्यों नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो मेरी पहली गाड़ी है, मतलब पहली स्कूटी है, और ये मेरी पहली बाइक है। उस पर मैंने ये सब सीखा, और इस पर मैंने विली भगाना, टॉप एंड,
इसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बोलते हैं ना, अपने दुश्मन से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, ये दोनों तो अपना प्यार है भाई। और उसको ना बेचने का एक मेन कारण ये है कि देखो, वो सिटी कम्यूट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है अपनी स्कूटी, अपनी बेबी, हर जगह इसको लेके नहीं जा सकते। हाँ, आप लोग सोचते रहोगे भाई ये 200 सीसी तो है, कौन सी 390 है या फिर बड़ी सीसी है, पर भाई ये केटीएम है। केटीएम में कितने जर्क्स होते हैं और ये केटीएम का इंजन कितना हीटअप होता है, वो सिर्फ केटीएम ओनर ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए ना ये जाएगी ना वो जाएगी, नहीं आएगी। तो डू सब्सक्राइब। तो बस दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आज का व्लॉग इतना ही रखता है। होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बस मिलते हैं ऐसे ही आने वाले एक मस्त व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।